रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मॉडल बनने के चक्कर में बन गई कंकाल ये महिला, जाने कैसे। नमस्कार दोस्तों, शरीर को स्वस्थ और फिट रखने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं। वे डाइटिंग करते, जिम जाते, योगा करते हैं और तरह तरह के घरेलू उपचार करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इन सबसे कई बार हमारे शरीर को कितना नुकसान होता है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ही एक महिला के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मॉडल होने के चक्कर में बन गई कंकाल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वालेरिया लेविटिन नाम की महिला की, जिनकी उम्र 32 साल है और ये किशोरावस्था में मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन उस समय वह काफी हेल्दी थी और लोग उसे मोटी कहकर ताना मारते थे कि वह कभी भी मॉडल नहीं बन सकती। इसी बात से वालेरिया ने डाइटिंग करनी शुरू कर दी। वह पूरे दिन में सिर्फ हल्का फुल्का ही खाती थी। काफी समय तक इसी तरह डाइटिंग करने के बाद उन्होंने अपना काफी वजन कम कर लिया और वह जरूरत से ज्यादा पतली हो गई। ऐसा करने से उनको भूख लगनी बंद हो गई। डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला कि वालेरिया को एनोरेक्सिक नाम की बीमारी हो गई है, जिससे वे पतली हो रही है। इस बीमारी की वजह से आज वालेरिया का वजन सिर्फ 25 किलो रह गया है और उसका शरीर एक कंकाल की तरह लगता है। इसी तरह बहुत से लोग पतले होने के लिए डाइटिंग करने लगते हैं, जिससे उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और वे ऐसी ही किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं। किसी ही और भी जानकारियों के लिए हमें लाइक